हेलो एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, वेलकम टू माय चैनल। और एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरा अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो इसमें कि मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी टो हुई थी। सो उसका रीज़न मैंने उसमें बता दिया था आपको कि उसके जो जहाँ से ऑयल निकलता है, इंजन ऑयल आपका, वहाँ पे एक्चुअली वो वहाँ से बाहर निकल रहा था। तो तब मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 259 किलोमीटर चली थी सिर्फ। बाद मैंने गाड़ी को चेक कराया, शोरूम गया तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से अटेंड किया। और उसके बाद अब वो फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसमें फॉल्ट क्या था, जो कैप होता है ऊपर का, मैं आपको दिखाऊंगा, वो कैप उन्होंने बदल दिया। जो कूलेंट के ऊपर जो होता है, जहाँ पे कूलेंट जाता है, वो जो कैप होता है, तो वो कैप था उसके ऊपर जिस पे इशू था वो बदल दी। तो उसके बाद अब तो ऐसा सच कोई इशू आ नहीं रहा है। उसके बाद मैंने गाड़ी ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर चला ली है, तो गाड़ी इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन। बट साथ में मैंने आपको बोला था पिछले कुछ व्लॉग्स में, मुझे मैसेज भी आए थे कि मैंने कहा था कि मुझे एक्सेसरीज़ गाड़ी की वो बनानी है। तो मैंने एक व्लॉग बनाया जिसमें मैंने एक्सेसरीज़ कुछ लगाई हैं और शोरूम से ही लगाई हैं। मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैंने शोरूम से ही कोशिश की थी एम्पलीफायर और वूफर लगवाने की। जेबिल का वूफर था और एम्पलीफायर बड़ा देसी सा था, एक्चुअली निपॉन का था और दूसरा एक आई डोंट नो एक और कंपनी थी कोई। बट काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो जो एम्प है, और क्या हो रहा था कि वो जब भी एम्प के साथ वॉइस कनेक्ट कर रहे थे तो उसका आउटपुट नहीं आ रहा था अच्छा। और उसके बाद भी काफ़ी कोशिश करने के बाद भी 3 या 4 वूफर बदले हैं, पूरी वायरिंग बदली, सब कुछ हुआ, बट आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों नहीं हुआ। सो जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिला था, तो उन्होंने कहा था कि आप एक्सेसरीज़ में डिस्काउंट ले लो या फिर कैश डिस्काउंट ले लो। तो मैंने एक्सेसरीज़ डलवाई थी जिसमें कि मैंने वूफर भी डलवाया था, एम्प भी डलवाया था, तो वो तो वर्क नहीं किया। सो इट डिडंट वर्क। सो मैंने वो क्या किया, उस टाइम मैंने काफ़ी बार मैं शोरूम गया, काफ़ी बार शोरूम के लोगों ने, आपने देखा मैंने बीच में, मैं वीडियो में डालूंगा, तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की जद्दोजहद के बाद, तो हुआ ये कि वूफर तो नहीं लगा, ना ही वायरिंग लगी। सो उसके बाद व्हाट हैपन्स इज, तो उसके बाद अगर आप गाड़ी देख रहे हो पीछे, उसके बाद मैंने गाड़ी में जो है एम्प और वूफर तो काम नहीं किया, तो मैंने क्या किया, गाड़ी में कुछ उसकी जगह वो गाड़ी और एम्प निकलवा दिया। मैंने एम्पलीफायर और जो वूफर है वो निकलवा दिया, वायरिंग भी पूरी निकलवा दी क्योंकि वो वेस्ट था टाइम का। सो मैंने क्या किया, अब गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज़ डलवाई हैं, जिनमें एक्सेसरीज़ में जैसे कि मैग्ना मॉडल है। सो मैग्ना मॉडल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेजरली मिसिंग है वो है इस गाड़ी में जो नहीं आता है, वो है रिमोट की। ये है वो रिमोट की जो मैंने अभी लगवाई है एक्चुअली, और ये 4,000 उन्होंने मेरे को प्राइस बताया था इसका कि 4,000 में यहाँ से लग जाएगी। सो एनीवेज मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी क्योंकि मैंने वूफर के रिप्लेसमेंट में और एम्प के रिप्लेसमेंट में लगाई थी। सो ये है कि मैं फंक्शंस वही हैं सिर्फ कि एक सारे लॉकर देती है, सारे अनलॉक कर देती है, और दूसरा है कि लॉक अनलॉक के लिए बनी, बस यही खास फीचर्स हैं। बाकी इसमें जो बूट का एक ऑप्शन और दिया हुआ है, पर बूट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना वो खुलता है ना वो अनलॉक होता है, ना लॉक होता है ना अनलॉक होता है, जो डिक्की है इसकी। सो 3 बटन इसके काम के हैं। सो अच्छी है, अभी तक मैं काफ़ी टाइम का मुझे यूज़ करते हैं, इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है। क्या सो रिमोट की एक्चुअली इसमें मैंने अभी नहीं इंस्टॉल किए, और उसके बाद इसमें बचती है बहुत सारी और चीज़ें। सो ये रही कीज़, तो मैंने इसमें अब रिमोट भी लगवा लिया। तो मैग्ना में आपको ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, पर ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है कि इस गाड़ी में सेंटर लॉकिंग ऑलरेडी आती है मैग्ना में, बट क्या नहीं आता यार, वो ये की है जिसके बिना आप मतलब ये नहीं कर सकते आप, यू नो ये सब। तो इसका ये बड़ा इशू रहता है कि आप लॉक अनलॉक नहीं कर पाओगे उसको, और कभी आप दूर होते हो गाड़ी से तो आपको भाग के जाना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैनुअली ना करो और परेशान ना हो, तो मेरा सजेशन ये है कि ऑप्शन बुरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये वाली जो की है मुझे, इसके साथ कुछ और भी एक्सेसरीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस गाड़ी में जैसे कि मैंने वूफर निकलवाया तो मैंने उसके बदले में रिप्लेसमेंट में कुछ एक्सेसरीज़ और डलवाई, जिनमें से कि मैंने सीट कवर डलवाए, मैंने मैट्स डलवाई नहीं, और एक ये है, और साथ में एक प्रेयर पार्सल ट्रे है जो कि अगेन मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्यों नहीं दी है, तो मैंने इसमें रियल पार्सल ट्रे भी डलवाई है।
सो गाड़ी में मैंने रेयर पार्सल ट्रे भी अभी एक्चुअली ऑर्डर किया है, पर अभी गाड़ी में रेयर पार्सल ट्रे नहीं आई है क्योंकि उनके पास अभी अवेलेबल नहीं थी। सो एम वेटिंग कि जब आएगी तो मैं अभी भाव लगा दूंगा। साथ में मैंने इस गाड़ी में अभी व्हाट आई वांट इज कि इसमें नॉर्मल सिस्टम आता है जिसमें कि आपका जो TFT नहीं आती स्क्रीन, तो मुझे वो भी डलवानी है। सो वेरी सून आई विल बी गोइंग फॉर दैट। पर अभी के लिए मैंने सीट कवर्स, फुट आपके फुट मैट्स जो कंपनी के बड़े बेसिक्स थे और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे तो वो डलवाई, और साथ में रिमोट की, ये तीन चीज़ें डलवाई हैं। साथ में कुछ और भी आप चीज़ें देखोगे, दो तीन मैंने एक्स्ट्रा डलवाई हैं, सनवाइजर्स हैं, रेन वाइजर जिन्हें बोलते हैं वो डलवाया है। साथ में क्रोम गार्निश है डोर्स पे, वो भी डलवाया है। तो वीडियो पूरा देखना मेरे चैनल पे, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे चैनल पे आपको जो मिलेगा वो होगा ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग्स होंगे, गाड़ियों से रिलेटेड ब्लॉग्स होंगे। मैं इसी तरह आगे भी गाड़ियों और ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स पोस्ट करता रहूँगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और एक चीज़ नोटिफिकेशन बेल बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हो तो उससे होगा ये सीन कि आपको मेरे कोई भी, मैं अगर वीडियो डालूंगा नया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आप नहीं देख पाओगे मैंने क्या वीडियो नया डाला। सो नोटिफिकेशन बेल वहीं पर होती है, आप उसे दबाना भी मत भूलना, बेल रिंग करना मत भूलना साथ में। और सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर कमेंट बॉक्स में आपको कुछ है, मेरे पर्सनल मैसेज, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है sandychaudhary_, आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो, मेरे लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो, और एडवाइस कर सकते हो कि आपको मेरे ब्लॉग्स में और क्या देखना है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो भी कवर करूँ। सो गाइस अभी के लिए थैंक यू, एंजॉय करना पूरा वीडियो एंड तक देखना। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, एंड माय फ्रेंड्स डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।